पूर्वजों की इच्छा आशा महत्वाकांक्षा क्रोध बैर प्रतिशोध यही सब आने वाली पीढ़ी की धरोहर बनते हैं। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व ग्रह नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी? व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संघर्ष क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से निर्मित नहीं होते? हत्या, मृत्यु, रक्तपात क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से नहीं जन्मते? अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं, साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं। और अंधकार मन का, हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है, केवल भय। स्वयं विचार कीजिए, मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है, जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं। और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं, केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिएगा।